और बीते दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने आम बजट पेश किया है, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों और नगर पंचायतों में बजट में 150 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिली है। क्षेत्रीय विधायक शिशुपाल सिंह यादव ने बताया है कि इनमें बांध निर्माण और नहर का पुल निर्माण कार्य का भी प्रावधान किया गया है। दरअसल विधायक हरीश शंकर ने आनन फानन में इसी वर्ष 2023 के बजट में तालाब का कहीं भी जिक्र नहीं है और ना ही बजट स्वीकृति की गई है। नहर को दिगोड़ा तालाब से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। पता है जो आज आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया है, किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया है? इसलिए दिया है कि हरिद्वारा को हपरा नहर से जोड़ा जाए। तो यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे आप? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, अभी जो मैंने 15 दिन के लिए भूख हड़ताल आवरण से ज्ञापन दिया जाएगा, भूख हड़ताल आवरण केंद्र को बाध होना पड़ेगा। अगर इसके बाद भी नहीं होगा तो मैं आत्मदाह केंद्र को बाध होना पड़ेगा मुझे। हम लोगों की ये मांगे हैं कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि दिगोड़ा तालाब को जो है हरपुरा नहर से जोड़ा जाएगा, लेकिन जो है अब जो अब की बार जो बजट पेश किया है वो उन्होंने सीधी जो है यहाँ से मझगुआ से वो बराना तालाब के लिए जोड़ दिया है, दिगोड़ा छोड़ दिया है। तो हमें तो यही लगता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा कहते हो पहले सुनते चले आ रहे हैं कि घोषणा वीर हैं, अब जो है दिगोड़ा में साबित हो चुका है कि जी वास्तव में घोषणा वीर हैं, क्योंकि जो है घोषणा की थी लेकिन वो उसको पूरा नहीं कर रहे। ये हमारे क्षेत्र के एक बड़े समाजसेवी हैं रवाशंकर पुस्तोल जी, इन्होंने और अन्य लोगों के साथ एक प्रशासक के ज्ञापन दिया है कि दिगोड़ा तालाब को जो पूर्व में निर्धारित घोषणा थी उसके अनुसार दिगोड़ा तालाब को हरपरा नहर से जोड़ा जाना था। आपका कहना है कि वर्तमान में वो DPR चेंज करके कहीं और से जोड़ रहे हैं, तो आपकी मांग है कि अगर ये 15 दिन का उन्होंने समय दिया है कि 15 दिन के अंदर अगर नया DPR तैयार होकर और दिगोड़ा तालाब को हरपरा नहर से नहीं जोड़ा जाता है तो भूखड़ताल का उन्होंने ज्ञापन दिया है।